ये मैंने मसल लिया और बहुत ठंडा लग रहा है भाई। आदमी बैठने के बाद में दिखाई नहीं देगा, आप देख सकते हो ये गायब है इसके अंदर, देखो आप देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ इसकी जड़ है और यहाँ इसकी फुल जड़ है, तो इतना बड़ा हो गया ये। ऐसा लगा लो इतना बड़ा और होता तो मेरे सिर से ऊपर निकल गया होता यहाँ तक। तो आप देख सकते हो ये टंगड़ी जो हमारी मम्मी ने टांगी है ये ताकि नज़र ना लगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो है अपनों ने थोड़ी सी गुहियाँ लगा रखी हैं, तो बहुत टॉप लेवल की हो रही हैं और अच्छी हो रही हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग, आपका स्वागत है मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। और हाँ दोस्तों, इस समय हूँ मैं खेत पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बारिश का मौसम हो रहा है, मुझे लग रहा है शायद बारिश जो है बहुत तेज़ आने वाली है। तो आप देख सकते हो पीछे सब बादल जो है घिरा हुआ है और कुछ ही समय में बारिश आने वाली है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है सब ये हरा 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 भांग है और पेड़ हैं, ट्रांसफार्मर रखा है, तो आप सभी कुछ देख सकते हो। आज भी जो है मतलब बारिश का मौसम हो गया है और बारिश आने वाली है, तो हम भी जो है खेतों पर से घर पहुँच लें टाइम से पहले ताकि बारिश में भीगने जाएं। तो उससे पहले पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने एक ब्लॉग बनाया था पहले, तो उसमें मैंने आपको छोटा छोटा मेंथा दिखाया था, तो वो मेंथा जो है बड़ा हो चुका है, तो बड़े बड़े मेंथे को दिखा दूँ कितना बड़ा बड़ा हो गया। तो ठीक है दोस्तों, लेके चलता हूँ फिर मेंथे के खेत में। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो है अपनों ने थोड़ी सी गुहियाँ लगा रखी हैं, तो बहुत टॉप लेवल की हो रही हैं और अच्छी हो रही हैं, मस्त एकदम। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे पेड़ लग रहे हैं, प्यारे प्यारे पेड़ लग रहे हैं। और उधर की तरफ बड़ा बड़ा सब मेंथा खड़ा है ये, इसके अंदर दोस्तों अगर बढ़ के निकल गए ना ऐसी, तो शरीर पूरा ठंडा हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसके अंदर जाता हूँ और लेके चलता हूँ उसके पास। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मेंथा कितना कितना बड़ा हो गया, आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें। और इतना बड़ा बड़ा हो गया कि इसके अंदर अगर आदमी बढ़ जाए तो ये देखिए इसके जो है मतलब फूलों से भी ऊपर तक जा रहा है, क्योंकि अब ये डेढ़ महीने के अंदर अंदर कटेगा ये, तो तब कहाँ तक पहुँच जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हो ये चमक भी नहीं रहा, पूरा धड़ धड़ चमक रहा बस ऊपर ऊपर का ये देखो ये बैठ के गायब हो गया ऊपर, ये देखो इतना बड़ा बड़ा हो गया दोस्तों कि आदमी बैठने के बाद में दिखाई नहीं देगा। तो आप देख सकते हो ये गायब हो गया इसके अंदर, देखो ये बहुत बड़ा मेंथा हो गया। बहुत बड़ा मेंथा हो गया भाई, बहुत बड़ा। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ इस मेंथे के अंदर। इस मेंथे के अंदर एक खासियत होती है, मेंथा ऑयल निकलता है दोस्तों इसका। अगर इसके अंदर हम ऐसे बढ़ जाएँ और बढ़ के बाहर निकल जाएँ तो हमारा शरीर जो ठंडा हो जाता है पूरा। तो मैं देखता हूँ इसके अंदर चल के। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे यहाँ तक आ रहा है ये मेंथा, कितना बड़ा बड़ा हो गया। पेड़ उखेड़ के दिखाता हूँ कितना बड़ा है। इतना बड़ा पेड़, अमेजिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ इसकी जड़ है और यहाँ इसकी फुल जड़ है, तो इतना बड़ा हो गया ये। ऐसा लगा लो इतना बड़ा और होता तो मेरे सिर से ऊपर निकल गया होता यहाँ तक होता। तो आप देख सकते हो और इसके अंदर मुझे ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, इतना ठंडा लग रहा है, इतना ठंडा लग रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस तरीके से अगर हम सूंघते हैं तो बहुत ठंडा ठंडा इसके अंदर से मतलब फीलिंग आती है, बहुत ठंडी ठंडी। और इस तरीके से अगर मसल लें तो हमारे हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। ये मैंने मसल लिया और बहुत ठंडा लग रहा है भाई। तो आप कमेंट करके बताना कि आपके साइड में क्या मेंथा होता है या नहीं। और ये मतलब यहाँ से कटने के बाद फिर जाता है फैक्ट्रियों में, फैक्ट्री में जाने के बाद ये निकलता है और उसका जो तेल होता है, इसका जो तेल होता है, अगर तेल शरीर पे गिर जाए तो इतना ठंडा कर देता है शरीर को, इतना ठंडा कर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। नहीं शायद होगा भी, देखा भी होगा शायद आपने, जो मतलब कोल्ड वाली जो वो आती हैं दवाइयाँ, और जैसे कोलगेट आता है तो कोलगेट के अंदर जो ठंडा ठंडा लगता है वो दोस्तों इसी का ही तेल होता है मेंथे का। तो उसी की वजह से क्या है हमारा जो दांत है या मुंह है ठंडा ठंडा हो जाता है, वो इसी की वजह से होता है। तो ठीक है दोस्तों, और लेके चलता हूँ अंदर। तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो इसके अंदर भिंडी भी लगी हुई है, ये छोटी सी भिंडी लग रही है इस पर, ये देख सकते हो आप। भिंडी का पेड़ भी है तो अपने खाने पीने काम चलते रहता है। तो आप देख सकते हो इसके दो कीड़े भी बैठे हैं, ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के, ये ख़राब कर देंगे भिंडियों को ये।
आप देख सकते हो, और हम ले रहे हैं इस समय खेतों का मजा। तो इसमें आने के बाद ठंडा ठंडा लग रहा है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अगर शायद आप लोग अगर मेरे पास होते तो आपको मैं इस खेत में ज़रूर घुमाता। हमारी मम्मी ने टांग रखी है यहाँ पे जूती, तो पास में जाके दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ उस जूती के पास, तो आप देख सकते हो ये टंगरी जूती हमारी मम्मी ने टांगी है ये, ताकि नज़र ना लगे। तो नज़र के लिए टांग देते हैं इसको खेतों में। तो आप देख सकते हो ये सब मेंथे का ही खेत है चारों ओर, आप देख सकते हो। तो बहुत अच्छा लग रहा है, हरा भरा खेत हमारा ये। तो लौट के फिर आई आगे जूती पे। छोटा वाला मेंथा दिखाओ, छोटा वाला मेंथा उधर की साइड है, अभी दिखाता हूँ आपको छोटा वाला मेंथा। तो दोस्तों इधर की साइड में ये छोटा छोटा मेंथा, तो आप देख सकते हो ये कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है। तो दोस्तों ये जड़ का मेंथा है और ये है पौधा, तो इसी में से जो है निकाल निकाल के जो है मतलब पौधा लगाया जाता है। तो आप देख सकते हो ये जो है चौमासे में कटेगा, जब बारिशें होती हैं खूब तब कटता है ये पहले कट जाएगा क्योंकि ये बड़ा हो चुका है और इसके अंदर तेल की मात्रा भी काफ़ी हो चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, बताना ज़रूर कमेंट करके कि आपके यहाँ पर किस किस क्षेत्र में ये मेंथा होता है, और सभी बाकी होंगे इस चीज़ से, और इसमें से निकलता है मेंथा ऑयल। तो दोस्तों हम निकल आए खेत से बाहर, तो आप देख सकते हो सब हरा हरा, ये सब मेंथा ही चमक रहा दोस्तों। और बारिश का मौसम हो रहा है और मौसम इस समय गंदा है, तो कहीं बारिश ना आ जाए इससे पहले हम पहुँच लेते हैं अपने घर। और हाँ दोस्तों, अगर बारिश होती है तो मैं बारिश का ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगा और आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, क्योंकि पहले बारिश बहुत तकड़ी हुई थी, हैवी बारिश हुई थी। तो देखते हैं आपकी बारिश कैसी होती है दोस्तों। अगर बारिश ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि हमारी जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी पानी भर के। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं इतना ही रहने देता हूँ, और आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमें भी खूब मेहनत करनी होती है, और जब इतनी मेहनत करते हैं तब जाके जो है मतलब एक वीडियो प्रॉपर तरीके से बन पाती है। पहले वीडियो को शूट करना होता है, फिर एडिट करना होता है, और फिर उसके मतलब थंबनेल बनानी होती है, टैग टाइटल सभी कुछ होता है दोस्तों। तो काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ दोस्तों, हवा छूट चुकी है और कुछ ही समय में बारिश आने वाली है, तो आज का ब्लॉग तो मैं इतना ही रहने देता हूँ। और अगर बारिश होती है तो बारिश का ब्लॉग मैं 110% बनाऊँगा और आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।